الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا दावा सेंटर अल जुबैल के जिम्मेदारान बिलखसूस शेख मुख्तार अहमद मदनी हफिज़ुल्लाह दीगर मुआविनीन कारकुनान ज़ूम के ज़रिए से इस प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम ही हजरात और यहाँ मौजूद बुजुर्गों और भाइयों, गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने सलफ़ियत के या सलफ़ी मनहज के बाज़ इम्तियाजात या खसूसियात और उनके कुछ उसूलों पर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुछ उसूलों पर गुफ्तगू की थी। बहुत सारे अहम और इम्तियाजी शान रखने वाले उसूलों का तस्करा नहीं हो सका किल्लत वक्त की बुनियाद पर। उन्हीं उसूलों की रोशनी में जो कुछ हमने जाना उसकी बुनियाद पर ये बात कही जा सकती है कि आज मुसलमानों में जो गुरोह सलफ़ी अहलुल हदीस अहलुस सुन्नाह वल जमाआ हकीकी तौर पर जो इन नामों से जाना पहचाना जाता है, वो हकीकत में खालिस इस्लाम के मुत्तबे हैं। वो दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और आपको हुक्म दिया, इत्तबे' मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, आप उसी दीन की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके रसूल आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसे खुद इख्तियार किया बल्कि सहाबाए कराम को उसकी तालीम दी, उसके मुताबिक तरबियत फरमाई, तस्किया और तालीम, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की यानी कि कुरान और सुन्नत की तालीम देकर इसी का खुगर बनाया, इसी को मनहज के तौर पर उन्हें दिया। सहाबा कराम ने इसे इख्तियार किया और अगली नस्लों तक पहुंचाया जो आज तक महफूज है, अगरचे के बाद के अदवार में इफरात व तफरीत इख्तियार करते हुए बहुत सारे ऐसे गुरोह और जमातें पैदा हो गई जो अल जमा से जुदा हुई। इन तसरीहात से सलफी मनहज की खसूसियात और उनके बाज़ उसूलों की रोशनी में जो कुछ हमने जाना अगर उसी की रोशनी में देखा जाए तो इसमें कोई संदेह कोई तरद्दुद और तामुल नहीं रहे इस नतीजे पर पहुंचने में कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मशहूर हदीस है, ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन खाइमा ला यज़ुर्रुहुम खाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह वहुम अला ज़ालिक, बुखारी वगैरह की ये मुख्तलिफ अल्फाज से मरवी रिवायत है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा मुसलसल यानी बगैर किसी वक्फे और फतरे के मुसलसल तदावुल के साथ तसलसल के साथ हक पर कायम रहेगा। हाँ, ये उम्मतुन कायमतुन बिअम्रिल्लाह, कि ऐसी उम्मत और जमात होगी जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की शरीयत पर कायम व बरकरार रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम, इनकी मदद छोड़ने वाले इनकी मुखालफत करने वाले इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। आजमाइश और इब्तिला अलग चीज है और नतीजे के एतबार से बिगाड़ लिया जाना अलग चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलफी मनहज या कुरान और हदीस को मानने वालों के लिए कयामत तक ये खुशखबरी सुनाई है कि आपके मुखालिफिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, वला मन खालफहुम, और ना ही उनके मुखालिफिन जो मदद छोड़ देते हैं तआवुन नहीं करते या वो जो मुखालफत करते हैं, दोनों नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हत्ता यातियहुम अम्रुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म यानी कयामत उन तक आ जाएगी और वो इसी रविश पर इसी मनहज पर कायम रहेंगे। इस हदीस की रोशनी में हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अली इब्ने मदीनी से पूछा कि इस हदीस के मिसलाक कौन है, इमाम बुखारी के उस्ताद, तो उन्होंने कहा कि वो अहलुल हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा वो अहलुल हदीस है। इमाम बुखारी इसे नकल कर रहे हैं, मतलब ये कि वो खुद भी इसके कायल है। इमाम बुखारी से इमाम तिर्मिजी ने भी यही बात नकल की। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अगर ये निजात पाने वाला गुरोह और अलजमा अगर अहलुल हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है। यहां ये बात भी वाजे हो जाती है
कि जब अहलुल हदीस कहा जा रहा है तो इससे फनी एतबार से वो लोग, वो गुरोह जो मुहद्दिसीन का गुरोह कहलाता है, वो मुराद नहीं है। मुहद्दिसीन का गुरोह के गुरोह का जो मनहज और मौकिफ था वही सहाबाए कराम का मौकिफ था, उसी को मानने वाले लोग चाहे वो मुहद्दिस ना हो, वो अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना वल जमाआ और सलफी या सलफी मनहज के अलमबरदार कहलाते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्ला ने इसकी अहलुस सुन्ना वल जमाआ की खसूसियत और खूबी बयान करते हुए एक जुमला ये फरमाया कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि फहादहिल फिरकतुन नाजिया अहलुस सुन्नति वल जमाआ, ये निजात पाने वाला फिरका है। यहां मैं एक वजाहत कर दूं कि लफ्ज फिरका दूसरे फिरकों के हिकायत में मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है, वरना अहलुल हदीस सलफी ये फिरका नहीं है। फिरका फराका से बना है, जुदा होना, अलग होना जिसका माना होता है। तो फिरका उसे कहते हैं जो अहले हक से, जो असल बुनियाद पर कायम रहने वाली जमात है उससे अलग हो। सलफी फिक्र के लोग, सलफी मनहज के मानने वाले लोग, जिसको अल जमाआ या अल फिरकतुन नाजिया अहलुस सुन्ना वल जमाआ कहते हैं, ये असल से, बुनियाद से, जमात के तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मनहज से हटे ही नहीं। लिहाजा जब ये हटे नहीं तो जुदा नहीं हुए, ये अपने हक पर कायम है। और इस हदीस में जो अभी हमने जानी सुनी कि एक जमात हमेशा कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म पर, तो ये तसलसुल के साथ कायम रहना इस बात की दलील है कि ये हक से जुदा और अलग हुए ही नहीं, लिहाजा ये फिरका नहीं है। जो इससे जुदा हुआ, इसके तरीके से हटा, अलग हुआ किसी भी तरीके से, वो फिरका बन गया। तो अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि ये निजात पाने वाला जो गुरोह है यही अहलुस सुन्ना वल जमाआ है, और ये अहलुस सुन्ना वल जमाआ मुसलमानों के फिरकों में हिया वसतुन फिन निहल, मुख्तलिफ गुरोहों और जमातों में जो मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ फिरके पाए जाते हैं, इन फिरकों के दरमियान ये अहलुस सुन्ना वल जमाआ सलफी मनहज के लोग अहलुल हदीस ये वसत हैं, दरमियान में हैं। कमा अन्न मिल्लतल इस्लाम वसतुन फिल मिलल, जैसे कि मिल्लते इस्लाम यानी इस्लाम का मजहब दीगर मजाहिब और अदियान के बीच में वसतियत और एतदार रखता है। दीगर मजहब के लोग इफरात और तफरीत या गुलू में या तफरीत और कोताही में मुब्तला हो गए और गुमराही का शिकार हो गए। मैं मिसाल दूं सिर्फ एक, उसमें हम लंबी गुफ्तगू करेंगे तो हमारे असल मौजू का वक्त कम पड़ेगा। सिर्फ एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में और दीगर मजहबी शख्सियत के बारे में भी आप गौर कीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजजाती तौर पर अपने कलमे का इल्का करके हजरत जिब्राइल के जरिए कुन के कलमे से मरियम के अंदर, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर इल्का किया गया और उनकी विलादत हुई बगैर वालिद के, मौजजाती तौर पर। वो अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, उलुल अज़्म रसूलों में से थे, बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, लेकिन खरके आदत तौर पर उनकी विलादत हुई। जिनकी तरफ उनको मबूस किया गया, यहूद की तरफ, उनकी अक्सरियत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत को मानने से भी इनकार कर दिया। जो हकीकत में वो थे दलाइल की रोशनी में, उसको नहीं तस्लीम किया, ये उनकी तफरीत थी। फिर जिन लोगों ने, उनमें से जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, आपकी नबुवत के कायल हुए, तो उन्होंने आपके दर्जे को जो अल्लाह ने दिया था उससे बढ़ा दिया। सिर्फ नबी, पैगंबर, रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। माना तो नौजुबिल्लाह अल्लाह से मिला दिया, नहीं माना तो जो रिसालत और नबुवत थी उसका भी इनकार कर दिया। ये इफरात और तफरीत है, हक इन दोनों के बीच है। मुसलमान इसके बीच की बात मानते हैं और कहते हैं, जैसा कि उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस इससे पहले मैंने जिक्र की, उसमें बयान किया गया कि जो ये गवाही देवे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, और फिर कलमा और रूह है, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, हाँ, और कलमा है, ये उनके बारे में एतदाल वाला मौकिफ हुआ। ना उनकी नबुवत का इनकार करके तफरीत इख्तियार की जाए, ना उनको मानकर उनको उनके मकाम से बढ़ाकर उनके सिलसिले में गुलू किया जाए। कुरान ने बताया कि अहले किताब और दीगर मजाहिब के लोग अक्सर व बेशतर गुलू या तकसीर में हद से ज्यादा तजावुज करना, गुलू तकसीर यानी हद से कोताही करना, कमी करना, इसमें मुब्तला होकर गुमराह हो गए। मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में दुनिया की उलमा, अखबार और रोहबान को या तो माना नहीं, उनकी तालीमात को कबूल नहीं किया, और कबूल किया तो उनको अरबाब बना दिया, हाँ,
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, تو یہ مختلف ملتوں کے درمیان مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی طرح کے طریقے سے امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ملت میں, دیگر قوموں میں, مذاہب میں مسلمان اور اسلام وسطیت اور اعتدال رکھتا ہے, بیچ کا. یہ بیچ سے مراد دو باطل کے بیچ کا حق مراد ہے. ہر جگہ, ہم اگر موقع رہا تو آخر میں یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ ہر جگہ وسطیت نے, شریعت کو معیار بنا کر جو وسطیت ہے, جو اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے, اس کو اختیار کرنے والے اہل اسلام ہیں دوسرے ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں. اور مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں, ان فرقوں میں وہ لوگ امت وسط ہیں یا اعتدال اور وسطیت کے حامل ہیں, جو قرآن و حدیث کے دین کو ماننے والے ہیں, جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ سلفی منہج کو اختیار کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا, اس کا معنی جان لیں کہ وسط کا جو معنی ہے آیت میں, یہ لغوی معنی کے متقارب ہے. ہاں, چنانچہ اہل علم نے وسط کی ایک تفسیر کی عدل سے کہ تم امت وسط ہو, یعنی امت عدل ہو. وسط کا ایک معنی عدل انصاف ہوتا ہے, ایک معنی خیار کا ہوتا ہے بہترین. تم امت وسط ہو, یعنی سب سے زیادہ بہترین منتخب اور پسندیدہ امت ہو. ایک معنی یہ ہے کہ افراد اور تفرید کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا, نہ حد سے آگے بڑھ کے غلو کرنا, نہ حد سے کوتاہی کر کے تفرید اور تقصیر اختیار کرنا, دونوں کے بیچ میں جو حق ہے اس کو اختیار کرنا. اب یہاں ہم اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں جو یہ بات جان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ امت وسط ہیں, اعتدال پر گامزن ہیں, تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ حالت ہے. اگر حقیقت میں آج کا جو موضوع ہم دیکھیں, اس ایک موضوع کی بنیاد پر اہل حق کی شناخت اور اہل باطل یا بدعت, اہل بدعت کی پہچان ہم اور آپ یا مسلمان کر سکتے ہیں. اور سلفی منہج کی وسطیت, دراصل ان کا قرآن و حدیث کو, جو احادیث صحیحہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو تعلیمات نازل فرمائی ہے, اس کا التزام کرنا سختی سے اور مضبوطی سے پکڑ لینے کی بنیاد پر ہے. ہاں, کہ پوری پوری شریعت کو, قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے, اس میں کوئی افراط و تفریط نہ کی جائے. چنانچہ اہل سنت والجماعت جو عقائد اختیار کرتے ہیں وہ غلو اور تقصیر, غلو اور جفا کے بیچ میں ہیں. جو اعمال اور احکامات اختیار کرتے ہیں وہ دیگر فرقوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق, وہ خیر اور قرآن و حدیث کے اس منہج کے مطابق ہے جو حقانیت کو پیش کرتا ہے. اس حق سے نہ افراد کرتے ہیں نہ تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں. جبکہ اہل بدعت جتنے بھی گروہ سلفی منہج کے علاوہ امت مسلمہ میں جتنے بھی گروہ پائے جاتے ہیں اہل بدعت کے, وہ سب کے سب خواہش پرستی اور بدعات میں مبتلا ہو کر یا تو آپ کو افراط میں مبتلا نظر آئیں گے کہ حد سے آگے بڑھ گئے, غلو کر بیٹھے عقیدے میں, اعمال میں, عبادات میں, یا پھر تفریط میں پڑ گئے. چنانچہ اہل السنہ والجماعہ قرآن حدیث کو, قرآن کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اپنے تمام مجموعی اعتبار سے جتنے بھی گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے اور منہج کو اختیار کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے وسط ہے. وسطیت کا ایک معنی عدل و انصاف ہے, یہ عدل پر قائم ہے, پسندیدہ ہے. جب یہ افراط اور تفریط کے بیچ میں جو حق ہے اس کو قبول کر رہے ہیں تو گویا پسندیدہ اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی اقوال میں, احکام میں, اعتقاد میں جو سب سے زیادہ حق ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اس کو اختیار کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ مذہب سلفی منہج, یہ اپنی وسطیت اور دیگر مذاہب کے درمیان اعتدال کے ذریعے سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے. ہاں, اور یہ وہ ان کا وہ طریقہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا, جو دو نقیص, باطل کی دو نقیص, دو اطراف, کنارے, کوئی ایک چیز ہے اس کا درمیانی حصہ ہے جو حق ہے, اور یہ ایک کنارہ, یہ ایک کنارہ, اس کو کہیں گے بیچ کے حصے کو وسط کہیں گے. تو عقائد اور اعمال کے جتنے احکام میں نقیص کے طور پر افراط اور تفریط کو جو لوگوں نے اختیار کیا, اہل سنہ والجماعہ ان کے درمیان ہے. غلو کرنے والے جو افراط پسند ہیں,
या जफा करने वाले, जो तफरीद करने वाले हैं, इन इन दोनों गुरोहों में आप देखेंगे कि कुछ हक है कुछ बातिल है। गोलू करने वालों ने कुरान हदीस की कुछ दलीलों को ले लिया और उसके मुखालिफ दलीलों को छोड़ दिया, आगे हम जब मिसाल पढ़ेंगे तो उसमें वाजे होगी। तफरीद करने वालों ने कुरान हदीस की कुछ दलीलों को ले लिया, उसके मुखालिफ दलीलों को तर्क कर दिया। अहले सुन्नत वल जमात की खूबी और कमाल और एतदाल यह है, वसतियत यह है कि उन्होंने गाली के यहां जो कुरान हदीस की दलीलें और हक की शक्ल में जो बात मौजूद थी वो भी लिया, और जफा करने वाले तफरीद करने वालों के पास कुरान और हदीस की जो दलीलें और जो हक मौजूद था उसे भी लिया। चुनांचे आप अहले बिदत में देखेंगे कि उनके पास कुछ हक है कुछ बातिल है, वो चाहे गाली हो चाहे जाफी हो, दोनों के पास हक का कुछ हिस्सा है बातिल का कुछ हिस्सा है। लेकिन अहलुस सुन्ना वल जमाअ को देखेंगे कि हर मसले में हर अकीदे में इनके पास दोनों के पास मौजूद हक है और इनके पास दोनों के पास जो बातिल है उससे इनका दामन साफ है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अहमियत की बात है कि अहलुस सुन्ना वल जमाअ के इस मनहज और तरीके की बुनियाद पर इनके पास कुरान और हदीस का पूरा इल्तिजाम है। कुरान और हदीस का किसी भी मामले में जो उनकी तालीमात है उसको पूरे पूरे तरीके से ये लोग इख्तियार करते हैं, जबकि अहले बिदत बाज हक को लेते हैं और बाज बातिल को। अहले सुन्ना वल जमाअ का ये मनहज इनको बिदात से, खुराफात से, हक से हट जाने से महफूज और सालिक सही सलामत रखता है, जबकि इसके मुकाबिल कोई भी गुरोह जिन्होंने बिदत के मुख्तलिफ उसूलों को इख्तियार किया, हाँ, उन लोगों ने हक के साथ बातिल की आमेजिश कर दी। अब अहले सुन्नत की वल जमात की जो वसतियत है उसके कुछ मिसालें हम यहां देखें, यह भी मुकम्मल बहस नहीं है लेकिन बुनियादी तौर से कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे मनहजे सलफ की वसतियत और उसका एतदाल आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। चुनांचे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात के बाब में, मैं चाहता था कि ईमान वाली बात भी लूं, ईमान के माना मफहूम के सिलसिले में। हमारे यहां लोग ईमान ईमान करते हैं लेकिन इस सिलसिले में लोग मुख्तलिफ किस्म की गुमराही का शिकार हैं, लेकिन ये जो बहस है ये ईमान ही का एक हिस्सा है और सुतून और रुकन की हैसियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात के बाब में आप देखेंगे कि अहलुस सुन्ना वल जमाअ सलफी मनहज वो है जो कुरान और हदीस की तालीमात को पूरे तरीके से इख्तियार करता है। चुनांचे इनका अकीदा और मनहज ये है, हमारा मनहज ये है कि कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो कुछ अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के अफ़ाल साबित शुदा हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान हैं, जैसे अल्लाह के शान और उसकी अजमत व किबरियाई के लायक हैं अल्लाह जल्ला शानहु, उन सिफात और नामों से वैसे ही मुत्तसिफ है, हम उसको मानते हैं इसलिए कि कुरान और हदीस ने उनका इस बात किया। चुनांचे मानते हैं तो कैसे मानते हैं कि अल्लाह के ये नाम हैं, अल्लाह समी है, बसीर है, रहमान है, रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी होता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफत यद है, अल्लाह तआला गजबनाक होता है, खुश होता है। क्यों? ये सिफात और अल्लाह के ये नाम जो मैंने जिक्र किए चंद और कुरान और हदीस में जो भी है, जब कुरान और हदीस में है तो हम उस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह के लिए ये सिफात हैं। कैसे हैं? बिला तकीफिन वला तमसील, ना हम उसकी कैफियत बयान करते हैं ना उसकी मिसाल बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लैसा कमिस्लिही शय, अल्लाह के मिस्ल, अल्लाह के जैसा कोई चीज, अल्लाह के जैसी कोई चीज नहीं है, कोई मखलूक अल्लाह के मिस्ल नहीं है। वह समीउल बसीर, और वो सुनने वाला देखने वाला है। अच्छी तरह समझें, ये जो आयत मैंने पढ़ी सूरह शूरा की, ये अस्माओ सिफात के बाब में अहलुस सुन्ना वल जमाअ के नजदीक दस्तूर मानी जाती है, कि दस्तूर की हैसियत ये आयत रखती है कि पहले टुकड़े में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मिसलियत की नफी की, जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं है तो अब अल्लाह ताला को किसी से मुमासलत नहीं बयान की जा सकती, उसकी कैफियत नहीं जानी जा सकती, उसकी तस्बीह नहीं दी जा सकती कि अल्लाह फलां की तरह है या फलां अल्लाह की तरह है, तस्बीह नहीं, कोई अल्लाह की तरह नहीं है कोई मखलूक, ना कोई पैगंबर, ना कोई फरिश्ता, ना कोई और मखलूक, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो यह मिसलियत की नफी हो गई, मुमासलत की नफी हो गई। और अगला जुमला, अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि अगर मिसलियत की नफी है तो यह ना समझे कोई कि अल्लाह तबारक व तआला सिफात से और खूबियों से, कमालात से आरी है, मुनज्जा है,
नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खराबियों से तो मुनज़्ज़ह है लेकिन खूबियों और कमालात से मुत्तसिफ है, उसके अस्माए हुस्ना है, सिफाते उलिया। वहुवा समीउल बसीर, हम भी सुनने वाले हैं, फजअलनाहु समीअन बसीरा, सूरह दहर में अल्लाह ने कहा इंसान को हमने सुनने और देखने वाला बनाया, हम भी सुनने देखने वाले हैं, जानवरों में भी ये सिफात है और अल्लाह ताला ने भी अपने लिए इस सिफत का इस्बात किया। लेकिन कोई मखलूक अल्लाह की तरह और अल्लाह किसी मखलूक की तरह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पहले कह दिया लैसा कमिस्लिही शय। हमारा देखना, मैंने इससे पहले इसकी तफसील बयान की, यहां उसका मौका नहीं है कि आप मखलूक मखलूक की सिफात में देखिए जमीन आसमान का फर्क है। आंख बहुत सारे जानवरों की, परिंदों की, आबी हैवानात की, हवाई परिंदों की और जमीन पर चलने वाले जानवरों चौपायों की आप आंख देखते हैं। जब लफ्ज़ आंख का इस्तेमाल किया तो सारे लोगों की आंख के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये लफ्ज, माना में इस एतबार से मुश्तरक है। लेकिन जब आपने कहा बिल्ली की आंख, घोड़े की आंख, गिद्ध की आंख, सांप की आंख, चमगादड़ या उल्लू की आंख, इंसान की आंख, तो सिर्फ इजाफत कर देने से, फलां की कह देने से आपके दिमाग में एक खास माना बन गया। अब गिद्ध की आंख का जब नाम लिया गया तो इससे आपके जहन और दिमाग में इंसान की आंख, शेर और कुत्ते बिल्ली की आंख का तसव्वुर नहीं उभरता। तो मालूम हुआ मखलूक मखलूक की एक ही चीज में बहुत फर्क है जमीन आसमान का, तो खालिक और मखलूक की एक ही सिफत में जो लफ्ज मुश्तरक है कितना फर्क होगा। ये मैंने सिर्फ एक वजाहत की अहलुस सुन्ना वल जमाअ के मौकिफ की वजाहत करते हुए कि अस्माओ सिफात के बाब में हम कुरान और हदीस के, कुरान के इन दोनों पहलुओं को लेकर चल रहे हैं कि मिसलियत मुमासलत कैफियत का, मुशाबहत का भी इनकार कर रहे हैं, अल्लाह को इससे मुनज़्ज़ह करार दे रहे हैं और अल्लाह ताला की सिफात का इस्बात भी कर रहे हैं, इसलिए कि कुरान और हदीस ने उनको बयान किया है। अब आगे देखिए कि इस सिलसिले में लोगों ने, अहले बिदत ने क्या तरीका और रविश इख्तियार की। अच्छी तरीके से समझें, यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। इसको ना समझने से अगर आदमी गलत वाली रविश इख्तियार कर ले तो अल्लाह के घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ, अमानतदारी के साथ मैं ये बयान कर रहा हूं कि मामला कुफ्र तक जाता है। एक आदमी अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, कुरान हदीस को मानने वाला समझ रहा है और इसमें गलती करने की वजह से वो कुफ्र के दर्जे तक पहुंच सकता है और उसे एहसास नहीं होता, और ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे गुमराहियों के शिकार हैं और हुए हैं। तो अब इसमें जो गुलू और इफरात वाला तबका है, ये जो अहले सुन्नत वल जमात का मैंने दरमियानी मौकिफ बताया अस्माओ सिफात के बाद, इस सिलसिले में एक तबका जो है गुलू करता है, एक तबका जफा करता है यानी कोताही करता है, तफरीत। तो गुलू और इफरात वाला तबका ये अहलुत तमसील है, जो अल्लाह तबारक तआला को बास मखलूकात से और बास मखलूकात को अल्लाह तबारक तआला से मुशाबहत देता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह तबारक तआला के अस्माओ सिफात को तो माना, अल्लाह के अस्माओ सिफात जो कुरान और हदीस में आया है उसको माना, यह हक है उनके पास। बिदत इख्तियार करने के बावजूद ये चीज उनके पास हक है कि वो कुरान हदीस में जो अल्लाह के अस्माए हुस्ना और सिफात उलिया आए हैं उसको मान रहे हैं। लेकिन मानने के इस हक के साथ उन्होंने बातिल का इजाफा किया, क्या कि उन्होंने अल्लाह के नामों को मखलूक के नामों से, अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात से मुशाबहत और ममासलत दे दी। क्या अल्लाह का हाथ वैसा ही है जैसे इंसानों का हमारा हाथ है? अल्लाह तबारक तआला का इल्म वैसा ही है जैसे बाज मखलूकात का इल्म है? चुनांचे बाज कदीम रवाफिस, रवाफिस के बाज फिरके हैं जो अल्लाह तबारक तआला की सिफात को मखलूकीन से मुशाबहत देते हैं। एक दाऊद जवारे भी गुजरा, उसने हाथ पैर जिन जिन चीजों का तस्करा कुरान हदीस में अल्लाह के लिया उस सबको इंसानों से मुशाबहत दे दी। बाज रवाफिस भी इसके कायल हैं और कुछ ऐसे हैं। यहां एक बात अच्छी तरह दिमाग में रखिए कि अल्लाह की सिफात को बयान करते हुए जब यह कहा जाता है कि अल्लाह की यह सिफत मखलूक की तरह है तो यह मखलूक से मुशाबहत हुई, कुछ लोग इसके उल्टा कहते हैं और दुनिया में जितने मुशरिकीन हैं वो इस तरीके से अल्लाह को मखलूक से मुशाबहत देते हैं कि बाज मखलूक के अंदर अल्लाह ताला की मुमासलत मानते हैं। कैसे? जैसे मैं जिक्र करूं कि अब रवाफिज ये कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात। हमारे यहां बहुत सारे लोग बरेलवी और कुबूरी बिदती जो अपने आप को अहलु सुन्ना झूठ तौर पर कहते हैं, गलत तरीके पे, वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो गौस थे, मदद करने वाले, उनको गौस कह के पुकारते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, या गौस अल मदद नऊज़ु बिल्लाह। वो बास बुजुर्गों से औलाद मांगते हैं, हाँ, बास के बारे में ये अकीदा रखते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में कि आप आलिमुल गैब थे, बशर नहीं थे। उनके बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अल्लाह के नूर का टुकड़ा और हिस्सा है,
और मनगढ़ंत हदीस के अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, इस हदीस के मुताबिक भी वो पैदा किया हुआ नूर है और अल्लाह का नूर जो है वो मखलूक नहीं है। गौर कीजिए, वो नूर मुजस्सम कह के अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में यहां तक अकीदा रखते हैं कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह की खुसूसियात सिफात उलूहियत और रुबूबियत की बात चीजों को मान रहे हैं। दुनिया के जितने मुशरिकीन हैं वो अपने माबूदान बातिला के अंदर अल्लाह ताला की कुछ खुसूसियात मान के ही अल्लाह के साथ उनको शरीक बनाते हैं। तो हर किस्म के शिर्क में ये बात जरूर पाई जाती है कि जिसको अल्लाह का आप शरीक ठहरा रहे हैं, अल्लाह हमको महफूज रखे, उनके अंदर अल्लाह ताला की कुछ खूबियां मान रहे हैं, आप अल्लाह को उन बंदों को अल्लाह ताला से मुशाबहत दे रहे हैं कि इनके पास वैसा ही इल्म है जैसा अल्लाह के पास था, ये ऐसे ही हर जगह हाजिर नाजिर है जैसे अल्लाह है, ये ऐसे ही कब्रों में रहते हुए हमारी हर बात को सुन रहे हैं जैसे अल्लाह ताला समी है, हर आवाज को सुनने वाला। जाहिर सी बात है कि ये वाज़े शिर्क अकबर है। अगर कोई शख्स ऐसे अकीदे पे मर गया तो शिर्क अकबर पर मरेगा, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह काबिले कबूल नहीं है, वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा, उसके सारी नेकियां बर्बाद। ये जो मैं जितने जुमले बोल रहा हूं सब कुरान और हदीस से साबित शुदा है। अल्लाह के रसूल से अल्लाह ताला ने कहा लाइन अशरक तला अहबतन अमल, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल बर्बाद। अब यहां थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस तरह मुशाबहत का मामला करते हैं, कई फिरके हमारे यहां हैं, आज हमारे यहां सूफिया के यहां भी इस किस्म का अकीदा माना जाता है, हर सिलसिले का, आप चिश्ती, नक्शबंदी, रिफाई, सहरवर्दी, अपने सिलसिले की फजीलत बयान करने के लिए या अपने सिलसिले की तरफ लोगों को रगबत दिलाने के लिए ये अपने बुजुर्गान और सिलसिले के मशायख और खास तौर से बानी मसलक सिलसिला के बारे में बड़े गुलू करते हैं, उन्होंने ऐसी करामत किया, अपने फला मानने वाले बुजुर्ग को नमाज रोजा नहीं करता था लेकिन अल्लाह से उनकी बख्शिश करवा ली, मुनकर नकीर आए तो उनको पकड़कर रोक लिया, कौन रिवायत करने वाला है ये, किसने देखा आलम बरज़ख में, ये बयान करते हैं, लोग सुनने वाले मानते हैं जहालत की बुनियाद पर, कुरान हदीस तो जानते ही नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि अल्लाह किसी को अजाब देना चाहता है और ये बुजुर्ग जो है उसको रोक लेंगे, अल्लाह को बचा लेंगे, अल्लाह पे दबाव डालेंगे, अल्लाह का फैसला बदलवा देंगे, वो अल्लाह की कदर नहीं पहचानते, वो अल्लाह के अख्तियारात को अपने बुजुर्गों में मशायख में मान रहे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। और माफ कीजिए, इस किस्म का अकीदा मैं ऐसा देखता हूं समझता हूं कि अहलुल हदीस और सलफी मनहज के अलावा दूसरे गुरुहों के पास अफराद में नहीं होगा लेकिन कोई गुरोह इससे पाक नहीं है, खास तौर से तसव्वुफ के सिलसिले तो इस गंदगी से इंतहाई बुरी तरीके से आलूदा और मुलव्वस। सूफिया के ऐसे ऐसे अकीदे और वाकयात आप सुनेंगे, किताबों में पढ़ेंगे कि मैं ऐसा समझता हूं कि अगर कोई शख्स कुरान हदीस की मोटी तालीमात भी रखता है तो उसको जानने के साथ वो ये नहीं मान सकता कि ये इस्लाम है, तसव्वुफ की बुनियाद पर जो पेश किया जाता है। तो पहली चीज अस्मा व सिफात में अहले सुन्नत वल जमात का जो एतदाल वाला मौकिफ है, देखो कितनी इन गुमराहियों से बच गए अहले सुन्नत। अब ये अल्लाह से बंदों को मखलूक से मुशाबहत देना और मखलूक को अल्लाह से मुशाबहत देने वाला, जिन लोगों ने ये मौकिफ इख्तियार किया उनका उनके सामने दलीलें क्या है, वो कुरान की उन आयतों को दलील के तौर पर पेश करते हैं और उन हदीसों को जिसमें अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात का इस्बात है कि देखो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए कुशादा हैं, तो देखिए जब अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के हाथ हैं तो हाथ वैसे ही है जैसे हमारे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो सुनने वाला देखने वाला है तो सुनना और देखना मान लिया और साथ में उसको मुशाबहत दे दे के मखलूक की तरह। अहले सुन्नत कहते हैं कि सुनना देखना है हम मानते हैं, हाथ है हम मानते हैं, कदम है हम मानते हैं, अल्लाह राजी होता है नाराज होता है हम मानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये हम नहीं जानते क्योंकि अल्लाह ने कहा है लैसा कमिस्लिही शय। चुनांचे उन्होंने आयत के इस टुकड़े को जो मैंने पेश किया अहले सुन्ना का दस्तूर लैसा कमिस्लिही शय, ये एक टुकड़ा, वहुवा समीउल बसीर दूसरा टुकड़ा, तो उन्होंने दूसरे टुकड़े को ले लिया ये अहले तमसील ने, खुलू और इफरात करने वाले लोगों ने, ये तो ले लिया कि अल्लाह सुनने और देखने वाला है, ये छोड़ दिया कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं। अब इसके मुकाबिल तफरीद करने वाला गुरु दूसरा, इफरात और तफरीद में दूसरा गुरु, ये अहलु तातील है। तातील हम उर्दू जबान में तातील छुट्टी को बोलते हैं, हाँ अत्तलाहु, उसको मुअत्तल कर देना, खाली कर देना,
तो अहले तातील को अहले तातील इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला को अस्माओ सिफात से आरी खाली करार देते। अब इनमें मुख्तलिफ गुरोह हैं, कुछ लोग बिल्कुलिया अल्लाह के तमाम अस्माओ सिफात का इनकार करते हैं, जिनको जहमिया कहा जाता है, जहां इब्ने सफवान की तरफ मंसूब जो जाद बिन दिरहम और वो किसी यहूदी का शागिर्द था। कुछ लोग ऐसे हैं जब इन्होंने अपने इस अकीदे का इजहार किया तो अहलुस सुन्ना वल जमा के उलमा अइमा बड़े बड़े इमाम जो पहले दौर के थे, इमाम अहमद बिन हंबल और उनके दौर के, उनसे पहले के, उन लोगों ने इनका शदीद रद्द किया। जब उन्होंने देखा कि इसमें रद्द हो रहा है तो जहमिया का अगला गुरोह मौकिफ में थोड़ी तब्दीली करके सामने आया, मोतजला आया और उन्होंने कहा कि हम नामों को मानते हैं सिफात को नहीं मानते। अल्लाह अलीम है मगर इल्म वाला नहीं है, अल्लाह हय है मगर हयात के बगैर है। कोई अकल में आने वाली बात? अकल को नकल पर मुकदम करने वाला यह गुरोह है मोतजला का। और ये जो मैं नाम ले रहा हूं आप ये ना समझे कि अभी नहीं है, मैं अभी आगे बताऊंगा कि आज उनके मानने वाले, उस मौकिफ के मानने वाले हमारे गिर्दो पेश में मौजूद है। तो मोतजला ने कहा नामों को मानते हैं सिफात का इनकार करते। फिर उनका रद्द हुआ तो अगला गुरोह पैदा हुआ मातुरीदिया कुल्लाबिया और अशायरा का। अबुल हसन अल अशरी कौन थे? इमाम कहलाते हैं। ये पहले मोतजला के मजहब पर थे, फिर कुल्लाबिया का मजहब इख्तियार किया और आखिर में अहले सुन्नत वल जमात के मजहब को इख्तियार करके उनका रद्द किया। आज अशायरा, यहां मैं फिर से इसका जिक्र करूं, बात को दोहराऊं, आपके दिमाग से निकले ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मौजूदा जो अहनाफ हैं वो साफ सराहतन ये कहते हैं कि हम अकीदे में कलाम में अशारी मातुरीदी हैं। और इमाम अबुल हसन अशारी का वो मसलक, वो मौकिफ, अकीदा जो पहले था, बाद वाला नहीं, बाद वाला या इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम दूसरे दीगर अइमा, उनका जो मजहब है अकीदे के सिलसिले में, यहां हिंदुस्तान के सूफिया, हिंदुस्तान के अहनाफ उसे नहीं मानते, अच्छी तरह जान लें। अल्लाह के घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और ये जिम्मेदारी अल्लाह और रसूल ने दी है, बल्लेगु अन्नी वलो आया, मुझ तक पहुंचाओ, मेरी तरफ से पहुंचाओ चाहे एक आयत ही हो। मैंने आज जुमा के खुतबे में कहा अल्लाह के रसूल ने जब ये बयान किया कि इतने इतने फिरके होंगे, एक गुरोह ऐसा होगा जो दीन से इस तरह निकल जाएगा जैसे तीर शिकार से लग के निकल जाता है, उनके अंदर ये खामियां होगी, वो जहन्नम की तरफ दावत देने वाले होंगे, उनके दिल भेड़ियों के होंगे लेकिन ऊपर से जिसमें इंसानी होगा, हमारी जबान में बात करेंगे जहन्नम की तरफ। तो ये अल्लाह के रसूल ने बताया क्यों? ऐसे ही बता दिया सिर्फ किताब में या दरसगाह में पढ़ने पढ़ाने के लिए है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए है। हमें जरूरी है कि हम लोगों को पहचाने कि इस्लाम के नाम पर कौन है जो गुमराही की तरफ दावत दे रहा है, ताकि हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक को बिल्कुल वाज़े और जली अंदाज में बयान किया, लैलुहा का नहा रहा, ऐसे दीन पर अल्लाह के रसूल ने छोड़ा जिसकी रात भी दीन की तरह रोशन। अब इससे सिर्फ हलाक होने वाला ही भटक सकता है। चुनांचे मैं अर्ज कर रहा था कि अहले तातील ये अशायरा मातुरीदिया ये पैदा हुए तो अशायरा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की सात सिफात हैं। अच्छी तरह हिंदुस्तान के हनफी मदारिस में आमतौर से अकीदे की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, जो पढ़ाई जाती है शरह अकायदे नसफिया वो अशरी मातुरीदियत वाली किताबें पढ़े, उसमें ये बताया जाता है। हमारे यहां भी कुछ लोग उससे मुतासिर होकर यहां बयान कर बैठे अहलुल हदीस के दरमियान, जो कम इल्म वाले हैं अकायद के सिलसिले में, दूसरे उलूम में चाहे जितने माहिर हों। तो अशरियों का मसलक है कि अल्लाह की सात सिफात हैं जो साबित मानते हैं, और उसकी भी वजह है, उसका मौका नहीं है कि मैं उस तफसील में जाऊं कि क्यों वो सात को मानते हैं सिफात इल्मिया, बाकी तमाम सिफात का इनकार या तावील करते हैं कि यही सात की तरफ लौटती है। इसमें जो सात मानते हैं कलाम, हयात, कुदरत, सम, बसर, इरादा, तो उसमें भी कलाम की तशरीह ऐसी करते हैं जो हक के हटके है, कुरान और हदीस से हटके, कहते हैं कलाम, कलाम नफ्सी को कहते हैं। हम अल्लाह का कलाम जब कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह ताला हुरूफ और अल्फाज के साथ कलाम करता है, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और मसलक है। अशायरा उसमें भी तावील करके उसका रद्द करते हैं। तो अब ये गौर कीजिए कि जो लोग अशरी मजहब को इख्तियार कर रहे हैं वो अहले सुन्ना वल जमात, सहाबा, ताबईन, अइम्मा दीन, मोतबर अइम्मा, या कुरान व हदीस के बताए हुए मसलक पर है या नहीं। तो कहा कि तरफुल जफा अहले तातील का है और ये वो तवायफ और गुरोह हैं जिन्होंने अल्लाह के अस्मा और सिफात का कुल्ली तौर पर या बाज का इनकार किया, तावील की, तहरीफ की। तावील से मुराद तावील फासिद, तावील सही भी होती है जो तफसीर के माना में, और तावील फासिद गलत तावील भी होती है जो बगैर दलील के गलत तावील की जाती है।
तो कहा कि अल्लाह के अस्मा और उसकी सिफात का इनकार करते हैं, नफी करते हैं, या बास की नफी करते हैं। जैसे यह अकीदा कुछ लोगों ने इख्तियार किया कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी नहीं है। यहां सीधो इन्होंने सिर्फ ये एक मिसाल दी, अशायरा भी इसका इनकार करते हैं। इस्तवा रहमान वाला अर्श, इस्तवा का माना कहते हैं, इस्तवा बमाना इस्तौला है, काबिज हुआ, छीन लिया। ऐसे और भी कई सिफात हैं अल्लाह तबारक व तआला की जिनका ये लोग इनकार करते हैं। हमारे यहां जैसा कि मैंने ग्रहों का तारुफ कराया, अब आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान में अशारियत के नाम पे, तसव्वुफ के नाम पे अल्लाह की बहुत सारी सिफात का आप पूछिए हिंदुस्तान में बहुत सारे अल्लाह कहां है, तो सब लोग कहेंगे, अक्सर लोग कहेंगे हर जगह है। ये जवाब सही नहीं है। और अगर इस जवाब का देने वाला ये मानता है कि अल्लाह अपनी जात के साथ हर जगह है, अर्श पर नहीं है, तो कुरान, हदीस, सलफ के इजमा, यहां तक के हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के फतवे के मुताबिक वो आदमी काफिर है, क्योंकि वो कुरान का, हदीस का इनकार कर रहा है। कुरान कह रहा है अल्लाह आसमान में, आसमान के ऊपर, अर्श पर मुस्तवी है, और आप कह रहे हैं हर जगह। अल्लाह जात के साथ अर्श पर है, इल्म और कुदरत के साथ हर जगह है, इहाते के साथ हर जगह है। ये अहले सुन्ना वाल जमा का मनहज है कि अल्लाह ने कहा है कि इस्तवा, अल्लाह इस्तवा माना अला वर्तफा, बुलंद होना, ऊपर चढ़ना, इस्तकर्रा, कामा, ये अरबी लुगत में इसका माना होता है, इस्तौला नहीं होता जैसा कि ये बिदती और गुमराह लोग कहते हैं। और अल्लाह के ऊपर होने, जात के साथ अर्श पर मुस्तवी या ऊपर होने की, जैसा कि इससे पहले मैंने अल अली की तफसीर करते हुए आयतल कुर्सी की तफसीर में बताया कई हफ्तों, और के 1000 से ज्यादा दलीलें हैं, 1000 से ज्यादा कुरान हदीस में मुख्तलिफ किस्म की दलीलें हैं, 18 से 20 किस्मों की, और एक एक दलील को शुमार किया जाए तो 1000 से ज्यादा दलीलें। अल्लामा इब्न अबिलीज हनफी हैं, वो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का इनकार करते हैं वो इनमें से बाज का जवाब नहीं दे सकते, तो सबका क्या दे सके। अब ये पुरानी बात है, आप सोचेंगे आज तो अहले सूफिया, अहले तसव्वुफ और अशायरा का मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के अर्श पर होने का इनकार करते हैं हमारे यहां गिर्दोपेश में। इख्वानुल मुस्लिमीन, जिससे हमारे नौजवान तबका, मैंने जुमा के खुतबे में बयान किया, जो अरब उलमा ने बयान किया है कि जो इस्लाम दुश्मन अनासिर ताकतें मुसलमानों में कुछ लोग को इस्तेमाल करती हैं, तो जाहिलों के लिए उन्होंने तसव्वुफ को बनाया, तराशा, खूबसूरत बनाया, बढ़ावा दिया, और पढ़े लिखे नौजवान मुसक्कफ लोगों के लिए या खसूसी लोगों के लिए उन्होंने तहरीकियत के मुख्तलिफ शक्लें दी, जिनमें आज आलम इस्लाम में इख्वानियत जमात इस्लामी के मुख्तलिफ अफकार और उनसे निकलने वाली मुख्तलिफ शाखें अपना काम कर रही हैं। इनके हक पर है या नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक है या नहीं है, मैंने कहा ये खबरों नौजवानों को ये उसूल दिया जाए कि ये ना देखें कि फला सलफी हुकूमत ने ये गलती की तो इसका मतलब ये बातिल है, गलत है, मुखालफत करने लगे। नहीं, किसी की मुआफकत और मुखालफत के लिए, वला और बरा के लिए जो आगे मैं जिक्र करूंगा, उसूलों को, मनहज को देखा जाए। अब आप अगर अस्मा और सिफात के बाब में इख्वानी किताबों को टटोलें, मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह की किताबों और तफसीर को देखें, तो नजर आएगा कि यहां भी अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों का, कुरान और हदीस के जाब्तों का इल्तिजाम और पाबंदी नहीं है। मैं अगले दर्स में कुछ नुसूस पेश करूंगा, यहां सिर्फ सरसरी तज़किरा कर दूं कि ये जो मेरे पास किताबचा रखा हुआ है, मैंने इससे पहले जिक्र किया था, शेख फैसल बिन अब्दा कायद अल हाशिदी, ये यमन के आलिम है कि पहले इख्वानुल मुस्लिमीन में थे, बाद में उससे तौबा की और सलफी मनहज इख्तियार किया, और ये बड़ी शानदार किताब रसाला फविया लिखा है। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर, दीन के मुख्तलिफ शोबों में इख्वानुल मुस्लिमीन के बड़े लोग, हसन अल मन्ना, सैयद कुतुब, सईद हवा, और दीगर तलमुसानी और दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात के इन्हिराफात का तस्किरा किया है। तो उसमें यह भी बताया कि अस्माओ सिफात के बाब में इख्वानुल मुस्लिमीन के यहां कोई मामला वाजे तौर पर नहीं है, बल्कि मुस्तरिब नजर आता है। और शेख हसन अल मन्ना के जो खतूत रिसाले लोगों ने नकल किए उनके शागिर्दों ने, उससे मालूम होता है कि वो कहते हैं कि हम लोग अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात की तावील नहीं करते, तशरीह नहीं करते, बताइए सही है, हाँ उसके क्या माना है हम उसको अल्लाह के हवाले करते। यह शेख हसन अल बन्ना की इबारत में यह मफहूम मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूं। एक गुरोह इनमें यह है इफरात और तफरीत में मुब्तिला होने वाले, जो मुफव्वेजा कहलाता है,
अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात के अकायद के सिलसिले में वो कहता है कि हम ना इसका इनकार करते हैं ना इसके माना और मफहूम को मानते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये जो मुफव्वज़ा है जो ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम और सिफत जो कुरान में है हम इसको मान तो रहे हैं लेकिन उसका माना मतलब क्या है ये हम नहीं जानते, ये मुनकरीन या ममस्लिन से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक तरफ वो उसको मानने का बज़ाहिर जिक्र करके उसके माना और मफहूम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो उसके माना का इनकार कर रहे हैं जो सहाबा ने माना। 23 साल दौरे नबूवत में अल्लाह के रसूल सल्लम ने यह नहीं कहा कि अरबी जबान का यह लफ्ज़ अर-रहमान अर-रहीम अस-समी अल-बसीर जो अल्लाह ने नाजिल किया तुम इसका यह माना मत समझना जो लुगत के मुताबिक तुम समझते आए हो वरना गुमराह हो जाओगे। नबी ने नहीं जाना ये बाद वालों ने बताया, सहाबा ने नहीं सीखा इसकी कुरेद में नहीं पड़े बाद वाले इसके इसमें सहाबा से आगे बढ़ गए। तो जो मुफव्वज़ा है वो ये कहते हैं कि इसका माना क्या है हम नहीं जानते अल्लाह के हवाले करते, इसका मतलब दो इल्जाम लगा रहे हैं वो कि अल्लाह ताला ने एक तो हमारे लिए ईमान की कोई बात नहीं हुई, दूसरे अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे नामों और सिफात का जिक्र किया जिसका कोई मतलब ही नहीं है कोई माना ही नहीं है। आप गफूर रहीम की जगह रहमान रहीम कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाहिर सी बात है ये इंतहाई गुमराही की बात है। अहले सुन्नत वल जमात इसका रद्द करते हैं, ये अहले सुन्ना वल जमा सहाबा और अहलुल हदीस का तरीका सलफी मनहज नहीं है। इख्वानुल मुस्लिमीन का मजमूई तरीकों पर अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के बारे में वो तरीका नहीं है जो सलफी मनहज का तरीका है, ये मैं बयान करना चाहता हूं। और यही हमारे यहां जमात इस्लामी का मामला है, यही हमारे यहां दूसरे अहलुल हदीस के अलावा जो दूसरे गुरु हैं वहां आपको तशबीह तमसील या इनकार का कोई ना कोई जरासीम जरूर नजर आएगा। ये पहला बाब हुआ। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज अहले सुन्नत वल जमात की वस्तियत की, वक्त कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, कि वाद और वईद का बाब। अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के तौर पे अहले ईमान के लिए वादा किया है उनके लिए जन्नत है उनके लिए कामयाबी है उनके लिए, ये वादे कहलाते हैं। और वईद धमकी को कहते हैं कि जो लोग गुनहगार है मुशरिक है काफिर है अल्लाह के नाफरमान और सरकश बंदे हैं उनके लिए जहन्नम है अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी सजाएं हैं। हाँ, जिसने गीबत की उसके लिए ये गुनाह, चुगली की, आपस में इख्तिलाफ किया, वालदैन की नाफरमानी की, तो उसके लिए तो ये वईद हुई कि उसके लिए ये सजा है। और नेक लोगों के लिए अहले ईमान और अच्छे काम करने वालों के लिए वादे हैं, ये इनामात हैं। चुनांचे अहले सुन्नत वल जमात का इसमें एतदाल और इनका मौकिफ क्या है कि वाद और वईद के सिलसिले में अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला अगर कोई इंसान मुसलमान मोमिन बंदा गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब हो गया, एक मुसलमान से कत्ल हो गया, ज़िना हो गया, चोरी हो गई, वालदैन की शान में गुस्ताखी बदतमीजी का इर्तिकाब हो गया, ये गुनाहे कबीरा है सब। मैंने मिसाल दी, एक मोमिन बंदे ने गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब कर लिया तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि ऐसा करने से वो इस्लाम से खारिज नहीं होता और ना ही जहन्नम में हमेशा रहेगा। अगर जहन्नम में गया भी, माफी नहीं मिली, तौबा नहीं की, अगर गया भी तो ईमान और तौहीद के होने की वजह से वो जहन्नम से बाद में निकाला जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शिफात के जरिए या अल्लाह की रहमत के जरिए। चुनांचे ऐसा शख्स जो मोमिन है और गुनहगार है वो उनके नजदीक अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक सलफी मनहज वालों के नजदीक दुनिया में नाकिस ईमान वाला मोमिन है, वो मोमिन है लेकिन नाकिसुल ईमान है। हाँ, लेकिन उसके ईमान की असल और बुनियाद साबित है, रहा हाँ कमाले ईमान कामिल ईमान तो वो उससे जायल हो चुका है गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब की वजह से। चुनांचे ऐसा शख्स अगर मर जाता है तो आखिरत में उसका क्या मामला होगा, ये अहले सुन्ना का सलफी मनहज का उसूल बता रहा हूं, उसका मौकिफ बता रहा हूं। तो आखिरत में वो अल्लाह की मशीयत के तहत होगा, जिस शख्स ने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया और मर गया, तौबा नहीं की, साफ नहीं हुआ, तो अब अल्लाह की मशीयत के तहत होगा। अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो अपनी रहमत की बुनियाद पे रहमत से उनकी उसकी बख्शिश कर देवे, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत के जरिए से उसको माफ कर देवे, हाँ और उसे जन्नत में बगैर कई अजाब दिए हुए इब्तदान शुरुआत में ही उसे जन्नत में डाल देवे अगर अल्लाह चाहे माफ कर दे, या और अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने ये उसका फजल होगा, और अगर अल्लाह ताला अपने अदल की बुनियाद पर उसको अजाब देवे तो वो अजाब का मुस्तहिक है। फिर अजाब देने के जितनी अल्लाह की मशीयत होगी, अजाब देने के बाद उसको जहन्नम से निकालेगा और उसका आखिरी अंजाम जन्नत में होगा।
हाँ, और वो काफिरों की तरह हमेशा हमेश जहन्नम में नहीं रहेगा, कुफार और मुशरिकीन की तरह। कौन? जो ईमान वाला गुनहगार बंदा है, कि अहल सुन्ना वल जमाना का अकीदा है, और इस अकीदे के लिए एक दो नहीं सैकड़ों दलीलें कुरान और हदीस में मौजूद है। जैसे अल्लाह का ये कहना इन अल्लाह ला यग़फिर अय शिरक भी, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, मतलब शिर्क माफ नहीं होगा। ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, इसके अलावा अल्लाह जिसे चाहेगा माफ कर दे। अच्छी तरह समझे, मैंने एक आयत पेश की और फिर वो हदीसें शिफात के बाब में अभी हम बरीकुल जुमान के तहत पढ़ चुके हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, जौ के बराबर, उससे कम उससे कम, अल्लाह के तरफ से इजाजत मिलेगी कि उन लोगों को जहन्नम से निकाला जाए। तो उनके ईमान में एक तो कमी बेशी होती है, ये भी साबित हुआ ईमान में, और उनके कम ईमान के बावजूद ईमान होने की जहन्नम में गए क्यों? गुनाह की वजह से। जहन्नम में गए गुनाह की वजह से, और जहन्नम से निकले क्यों? ईमान की वजह से। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसके अंदर चार खसलतें हैं, एक खसलत होगी तो निफाक की एक अलामत और एक खसलत होगी, और जिसके अंदर चारों खसलतें होंगी वो पक्का मुनाफिक है। इसका मतलब एक खसलत वाला के अंदर ईमान भी है निफाक भी है, वो अमली सही, दोनों चीजें हो सकती है। तो अहले सुन्नत वल जमात के इस मौकिफ की बेशुमार दलीलें, ये साबित शुदा है, लेकिन कुछ गुरोहों ने इफरात और तफरीत इख्तियार किया, माजी में भी और आज भी उनके मुत्तबईन हैं। चुनांचे एक गुरोह ने इफरात करते हुए वईद के पहलू को पकड़ लिया, कुरान की हदीस की उन आयतों और दलीलों को पकड़ लिया जिसमें अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लम ने वईदें सुनाई कि जो ऐसा गुनाह करेगा उसके लिए जहन्नम, जो वालदैन की नाफरमानी करेगा वो जहन्नम पे जाएगा, मिसाल के तौर पर। तो इस वईद को पकड़ लिया कि देखिए अल्लाह और रसूल ने कहा है ना कि ऐसा करने वाले का ठिकाना जहन्नम होगा। हाँ, लिहाजा ये खवारिज और मुतजला माजी में थे, आज हमारे यहां उनके जो वारिसीन पाए जाते हैं, शिद्दत पसंद, खुलू पसंद, इंतहा पसंद, वो सरे फहरिस्त इनमें वो दरूज दाइश के शक्ल में जो हमारे सामने आए, इख्वानियत और तहरीकियत के हामिलीन। हाँ, सैयद कुतुब साहब का इस मामले में बहुत नुमाया किरदार और उनकी तहरीरें आज भी मौजूद हैं, सिर्फ उनकी फीजिलाली कुरान ही ली जाए। तो उन्होंने एक जगह नहीं, बार बार ये कहा है कि दुनिया में आज कोई मुसलमान हुकूमत है नहीं, सारे मुसलमान कहलाने वाले काफिर हैं, ये मुआशरा जाहिली मुआशरा। अगरचे आज लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और अजान खानों में अजाने भी दे रहे हैं, लेकिन उनके यहां इस्लाम नहीं है। एक दो नहीं, ऐसे बहुत सी दलील है। तो मैं यहां इशारा करके आगे कह रहा हूं कि ये वईदिया खवारिज और इसी को जदीद दौर के खारजी, और यहीं से तकफीर का जो मिजाज है वो पैदा हुआ कि किसी गुनाह का इर्तिकाब किया उसको फौरन काफिर होने का फतवा दे दिया, इसी बुनियाद पर मुसलमान हुक्मरानों की समहतात से निकल जाना, उनकी मुखालफत करना, उलमा और अइमा की मुखालफत करना, ये आज जो जदीद नस्ल की को परवान चढ़ाया गया है इस तहरीकी मिजाज की बुनियाद पर, जो हकीकत में जदीद दौर की खारजियत है, और ये दुश्मनान इस्लाम का आलायकार बनते हैं। और इसी बुनियाद पर मैं आगे बयान कर रहा हूं कि वला और बरा का मामला भी इनके यहां बिगड़ गया, दोस्ती और दुश्मनी का जो इस्लामी कायदा है, इस्लामी अकीदा है, उसके उसका मेयार ही इनके यहां तब्दील हो गया। जो दुश्मन है वो दोस्त बन गया, जो दोस्त है वो दुश्मन बन गया। कैसे? आगे देखिए, वो कहते हैं कि ये जो खवारिज और मुतजला है, खारजी गुरोह, तकफीरी गुरोह, मुसलमानों को काफिर करार देने वाला गुरोह, ये कहते हैं कि जो शख्स कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने सूद खा लिया, एक आदमी ने सेना कर लिया, एक आदमी ने मुसलमान है चोरी का इर्तिकाब कर लिया, तो इन लोगों के नजदीक वो इस्लाम से बाहर हो गया, खारजियों के नजदीक वो काफिर हो गया, मुतजला के नजदीक इस्लाम से तो निकल गया काफिर भी नहीं हुआ, दोनों के बीच में एक मकाम पर है। ये सिर्फ लफ्जी इख्तिलाफ, वरना दोनों ये मानते हैं कि आखिरत में जब वो मर जाएगा, जब वो मर जाएगा तो आखिरत में हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। एक मर्तबा जहन्नम में चला गया कोई बंदा तो वो निकल नहीं सकता, इनका अकीदा है। और कबीरा गुनाह करने वाला आदमी जो गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा तो अल्लाह पर जायज नहीं है कि उसको माफ करे, ये कहते हैं तवाब, गफूर, अल्लाह के जो नाम है ये सब बिला वजह है, अल्लाह का माफ करना, अरहमुर रहीमीन होना, बख्शिश करना, लुत्फ़ो करम, ये आप इनकार करेंगे? तो इन्होंने ये कहा, ये वईदिया कहलाता है गुरोह, वईद को पकड़ लिया, कुरान और हदीस की उन नुसूस को जिसमें सजा और
वही सुनाई गई है, धमकी दी गई है कि गुनाह करने वालों को ऐसी ऐसी सजा दी जाएगी। उसको पकड़ लिया और कहा कि अब जो गुनाह करेगा तो वो दीन से इस्लाम से बाहर हो जाएगा और आखिरत में जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा। और अल्लाह के लिए ये जायज नहीं है कि उनकी बख्शिश करे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का भी इनकार करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए शफात नहीं होगी, नबी की भी नहीं होगी, किसी और की भी नहीं होगी। चुनांचे वो कहते हैं कि एक मरतबा जो जहन्नम में गया वो कभी नहीं निकलेगा। ये वईदियां हैं, और मैंने इशारा किया ये इस किताब के सफा नंबर 35 और 36 और उसके आगे बयान किया गया है हवालों के साथ, जलालुल कुरान और दूसरी किताबों के साथ, कि सैयद कुतुब साहब कहते हैं कि आज कोई मुआशरा मुसलमान नहीं है, ये दूसरे कानून को मानते हैं, इस्लाम से खारिज हो गए। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि कुफ्र के अल्फाज जो कुरान हदीस में इस्तेमाल हो, जैसे निफाक का, अभी मैंने हदीस सुनाई कि अगर किसी के अंदर चार में से एक खसलत है तो निफाक की एक खसलत होगी, उसको हम वो आला मुनाफिक नहीं कह देंगे जो अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल वाला एतिकादी अकीदे वाला निफाक था। एक अमल वाला निफाक होता है, एक अकीदे वाला। अकीदे वाला निफाक हो तो इस्लाम से आदमी खारिज हो जाए। ऐसे ही कुफ्र का मामला, कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर, शिरके अकबर और शिरके असगर। कुफ्र असगर यह है कि आपके अमल में आए, हर कुफ्र से इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़िताल्हु कुफ्रुन। ये तकफीर के उसूल जाब्ते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक मिसाल पेश कर दूं कि मुसलमान को गाली देना नाफरमानी है, फुसूक है, और उससे किताल और लड़ाई करना ये कुफ्र है। तो अब किसी मुसलमान और मुसलमान की आपस में लड़ाई हो गई तो आप कहेंगे दोनों काफिर हो गए, साहबा कराम को काफिर कहेंगे, नौजुबिल्ला, इश्तेहादी बुनियाद पर जो लड़ाइयां हो गई। और ये रवाफिज और खवारिज नवासिब और मुतजला ऐसा करते हैं। तो वईद को बयान की गई है, और हज़रत इब्ने अब्बास और सहाबा ने इसकी तशरीह की, अल-कुफ्र दूना कुफ्रिन, या मैंने हदीस पेश की कि मुसलमान से किताल करना कुफ्र है, लेकिन कुरान कहता है सूरह हुजरात में, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलु, अगर मुसलमानों के दो ताइफे दो गुरोह आपस में लड़ पड़े, लड़ने के बावजूद अल्लाह मुसलमान कह रहे हैं, मोमिनीन कह रहा है, मोमिनीन के दो गुरोह, इसका मतलब लड़ने से आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता, ये कम दर्जे का कुफ्र है। हज़रत इब्ने अब्बास ही कहते हैं अल-कुफ्र दूना कुफ्रिन, कुफ्र कुफ्र के दर्जात। लेकिन अब हमारे यहां तहरीकी लोगों ने इस्तेदलाल किया खारजियों की तरह, हाँ खारजियों की तरह इस्तेदलाल किया, अमल लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल शुदा हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता ये काफिर है। अब किसी ने कोई गुनाह किया कहा काफिर है, कोट दिया काफिर मुशरिक हो गया। एक होता है अमल, एक होता है अकीदा, दोनों में फर्क होता है। बास कुरान हदीस के उसूलों की रोशनी में बास चीजें ऐसी हैं जिसको कुफ्र कहा गया है, लेकिन अगर हर आदमी जो उसका इर्तिकाब कर ले उस पर कुफ्र साबित नहीं होता, क्योंकि किसी के काफिर होने के लिए कुरान हदीस से कुछ कवायद साबित। जिस आदमी ने यह कहा अल्लाह के रसूल सल्लम की, बुखारी की हदीस में है कि मैं मर जाऊं तो मुझे जला के राख आधी उड़ा देना आधी बहा देना, उसका गोया बज़ाहिर ये अकीदा बना कि मैं इस तरह से अल्लाह से बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने उसके मरने के बाद जब लड़कों ने ऐसा किया बेटों ने तो उसको जमा किया और कहा ऐसा क्यों किया, कहा तमीन खशियत तेरे डर की वजह से अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, हदीस कह रही है। अब आप अगर किसी से फतवा पूछिए, कोई अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकेगा या जला के राख को हवा में उड़ा देने पानी में बहा देने के बाद दोबारा उसको जिंदा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, कोई ऐसा अकीदा रखे तो वो मुसलमान रहेगा कि काफिर, तो जाहिर सी बात है कि फतवे के एतबार से वो काफिर होगा। लेकिन उस शख्स ने जिस वजह से यह किया उसकी बुनियाद पर वो जन्नत और माफी का मुस्तहिक बना, काफिर नहीं करार दिया। तो कुफ्र के कुछ तकाजे हैं काफिर करार देने के, और किसी बुनियाद को अगर कोई पाई जा रही है तो कुछ मवाने हैं, वो मवाने अगर नहीं हो, रुकावटें ना हो, तब कहा जाएगा कि ये काफिर। हर किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता। यही आगे मैं पढ़ते हुए कह रहा हूं कि तरफुल जफा व तफरीत, एक तरफ कुछ लोगों ने वईदों को पकड़ लिया, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने वादों को पकड़ लिया। कहा चुनांचे ये मुर्जियां हैं, इनमें भी कई गुरोह हैं, तफसील का मौका नहीं, बहुत कम वक्त बचा, मजमून कुछ अहम बाकी है, इसलिए मैं इख्तिसार से आगे बढ़ता हूं कि ये जो मुर्जियां हैं दूसरी तरफ कोताही बरतने वाले, ये दुनिया में कबीरा गुनाह के करने वालों के सिलसिले में कहते हैं कि ये मोमिन कामिलुल ईमान है, बल्कि उसका ईमान अंबिया के ईमान की तरह है, और उनके गाली लोग जो गुलू करने वाले लोग हैं शिद्दत पसंद, वो कहते हैं कि ईमान ले आने के बाद अगर आपकी तस्दीक पाई जा रही है, इकरार पाया जा रहा है, उसमें से कुछ लोग इकरार को मानते हैं, कुछ लोग उसकी जरूरत भी नहीं मानते, अगर आपके अंदर ईमान की तस्दीक पाई जा रही है तो आप कोई भी गुनाह कर ले कोई नुकसान नहीं। एक आम आदमी का ईमान, अबू बकर सिद्दीक और नबी का और हज़रत जिब्रील का ईमान सब बराबर है इनके नजदीक।
अब आप ईमान ले आए उसके बाद कितना भी गुनाह करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां भी अहनाफ के यहां ये मशहूर है कि ईमान में अमल दाखिल नहीं है, ईमान घटता बढ़ता नहीं है। आप मोमिन हो गए तो अब सारे लोगों का ईमान एक जैसा हुआ। कोई बगैर तला हुआ अंडा है, तला हुआ अंडा थोड़ा फैल जाता है, वो फैल गया तो लफ्जी इख्तिलाफ है, ये लफ्जी इख्तिलाफ नहीं है, ईमान कम ज्यादा होता है और ईमान में अमल शामिल है। कुरान हदीस की बेशुमार दलीलें इस बात को बयान करती हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स कोई काफिर करार देने वाले आमाल भी कर ले और उसके अंदर कुफ्र काफिर हो जाने की तमाम शरायत अगर पाई जाए किसी बंदे में, लेकिन असल ईमान है, वो तस्दीक करता है अल्लाह की, तो ये कहते हैं कि उस पर कोई सजा का निफाज नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो उनके नजदीक मोमिन का मोमिन रहेगा और जहन्नम में दाखिले का मुस्तहिक नहीं होगा। कि इनका इफरात और तफरीत देखिए, एक तरफ वो काफिर करार देने वाले, एक तरफ ये मुर्जिया जो हर चीज को जायज और हलाल करार देने। इस जिम्न में यहां एक चीज मैं बयान करना चाहता था आज, उसकी कुछ तफसील पेश करनी थी कि यहीं से हम दोस्ती और दुश्मनी का एक कायदा, यहां अलग से एक मजमून था, वला और बरा में भी अहले सुन्नत वल जमात इफरात और तफरीत के कायल नहीं है, वसतियत और इतदाल रखते हैं। मैंने इससे पहले बयान किया, वला कहते हैं दोस्ती ताल्लुक मोहब्बत को, बरा कहते हैं बेजारी बुग्ज और नफरत को। तो एक मुसलमान के अकीदे में इस्लाम ने बताया कि अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, दीन के लिए मोहब्बत हो, मोमिन हमारा भाई है, वो चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, ईमान और तौहीद की बुनियाद पर रिश्ता कायम होगा, और काफिर मुशरिक है तो चाहे हमारे सगे भाई का मामला हो वो हमारा भाई नहीं है। ये वला और बरा की बुनियाद है। अहले हक की हम ताईद करेंगे, अहले बातिल की मुखालफत करेंगे। हाँ, इसी अकीदे को गुज़िश्ता जुमा के खुतबे में इमाम हरम शेख सुदईस बयान किया, मैंने वो खुतबा कल सुना, जुमा के खुतबे में उसका थोड़ा तस्केरा किया और मैंने कहा था कि रात के मगरिब बाद के दर्स में मैं इसकी तफसील बयान करूंगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि तफसील में जाऊं। इसी को बयान किया, वो खुतबा हिंदुस्तान पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए 25 मिनट का खुतबा, दो खुतबे हैं, बड़ा शानदार जामे बेहतरीन अकीदा तौहीद और दीन की बुनियाद को बताने वाला, शिर्क से और शिर्क के दरवाजों को वाजे करने वाला। उसी जिम्न में इमाम हरम ने यह बयान किया कि तौहीद का और अकीदे का ये तकाजा है कि हर चीज को उसकी जगह पर रखा जाए। ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, और वला और बरा के अकीदे के सिलसिले में भी उन्होंने ये कहा कि वला और बरा का तकाजा ये है कि एक इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर गैर मुस्लिम को कत्ल करें, धमाके करें, तशद्दुद और इंतहा पसंदी इख्तियार करें। चुनांचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से और आपके आमाल से नमूने पेश किए कि आपने यहूदियों से लेन देन किया, खैबर के लोगों से जो है वो मामला किया खेती बाड़ी में। हाँ, जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो एक यहूदी के पास आपकी रहन थी, मुशरिका औरत के पास से उसके मशकीजे से आपने पानी पिया, उनसे लेन देन किया यहूदियों से, गैर मुस्लिमों से, मुशरिकीन से। तो वला और बरा या गैर मुस्लिमों से दुश्मनी का यह मतलब नहीं है कि हर गैर मुस्लिम से आप नफरत करें, मार दें, काट दें। कुरान की आयत कहती है ला यनहाकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमको उन मुशरिकीन से मना नहीं करता जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, दीन के सिलसिले में तुमसे दुश्मनी नहीं रखते कि उनके साथ तुम अच्छा सुलूक करो, अंतबर्रूह, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उनके साथ इंसाफ करो। तो यहूदियों से, नसारा से, कुफार और मुशरिकीन से दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि उनके साथ इंसाफ ना किया जाए, धमाके किए जाए, मासूम लोगों को मारा काटा जाए, ये नहीं है। लेकिन उस खुतबे को ना समझकर हमारे तहरीकी लोगों ने हंगामा खड़ा किया और उसमें फिर बिदतियों ने भी सुर में सुर मिला दिया, क्योंकि अहले हक से सभी लोग कद रखते हैं, बुग्ज रखते हैं, तलाश करते हैं, जबकि हकीकत में कोई अगर दीन को तौहीद को समझने वाला इंसान हो तो उस खुतबे में एक नुक्ते की जगह नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक जिस पर एतराज किया जाए। बिला वजह उसे इस बात से जोड़ दिया गया कि ये यहूदियों से साज बाज करने की साजिश है, हुकूमत के लिखे हुए उसको खुतबे को पढ़ा जा रहा है और फिर इंतहाई नाजेबा और घटिया हर अंदाज इख्तियार किया गया, वैसे ही जैसे खारजी सहाबा कराम और अइम्मा हदीस और अइम्मा उलमाए सलफ के बारे में अंदाज इख्तियार करते। मैंने ये बात जुमा के खुतबे में बयान की कि यहूदियों और दुश्मन, इस्लाम के दुश्मनों का एक वतीरा टारगेट बनाने का
एक अंदाज यह है कि मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए, और इस्लाम से दूर करने का एक अच्छा तरीका यह है कि उलमाए रब्बानीन कुरान और हदीस के मानने वाले उलमा से दूर किया जाए। और उनकी इन कोशिशों का नतीजा क्या है, हम अपने समाज में देख सकते हैं कि जो उलमाए हक है उनकी कितनी कदर होती है जिंदगी में, उनसे लोग कितना इस्तेफादा करते हैं, जैसा कि उनका हक है नहीं करते लोग। इमाम हरम की एक हैसियत आलमी सतह पर आज भी मानी जाती थी, लिहाजा आलमी ताकतों की जानिब से मुझे ऐसा लगता है कि इशारा मिला है कि इमाम हरम को टारगेट किया जाए। खुतबे शेख सुदईस के खुतबे की तारीफ की इसराइल ने, इसराइली चैनल ने, अल जजीरा ने उसे पेश किया, और फिर तहरीकियों ने उसको जो है हवा और हंगामा बना दिया। ये जो तारीफ की है इसराइल ने, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मंसूबे के तहत है कि लोगों को ये मौका दिया जाए कि इमाम हरम के दामन को पर कीचड़ उछाला जाए, लोगों को बदगुमान किया जाए, वो एहतराम जो इमाम हरम के ताल्लुक से है इसको खत्म कर दिया। इतनी खराबियों के बावजूद सऊदी अरब के सही अकीदे मनहज की सेहत और उसके दीनी खिदमात की बुनियाद पर उसकी मरकजियत आज भी कायम है, और यह दुश्मनान इस्लाम को खटकती है। चुनांचे वला और बरा के सिलसिले में भी अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ जो है वो इतेदाल पसंद और वस्तियत पर हामिल है। ना बरा का मतलब यह है कि दुश्मनों के साथ इंसाफ ना किया जाए, और ना दोस्ती का मतलब यह है कि उनको राजदार बनाया जाए, और ना ही मुसलमानों से दोस्ती का यह मतलब है कि अगर कोई मुसलमान गलत काम कर रहा है तब भी उसका साथ दिया जाए कि हमारा है, हमारी बिरादरी का है, हमारे खानदान का है, हमारे ग्रुप का है। जैसा कि आज हमारे यहां देखते हैं कि वो तो उधर है, तो अब उधर है तो उधर की गलत बात की भी तायद करेगा और मुकाबिल की सही बात की भी मुखालफत करेगा। यहां दर से कुरान, दर से हदीस और दुरूस हो रहा है, इसको भी बंद करा दो। हमारे ग्रोह का नहीं है तो दीन का काम भी नहीं करना चाहिए। ये इफरात व तफरीत का सुलूक है, सलफ का मनहज नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं कि तकदीर के बाद में भी अहलुस सुन्ना वल जमा जो है वसतियत इख्तियार करते हैं। चूंकि वक्त बहुत कम है और इस सिलसिले में भी तकदीर वाली बहस शरह अरकान ईमान बरीकुल जमान के दर्स में आइंदा हफ्ते से शुरू हो रही है जुमेरात के दुरुस में, और यहां जो तफसील थी बेहतर था कि इसको पूरा पेश किया जाए, लेकिन मैं अगर इसे छेड़ूंगा तो अगला नुक्ता बयान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इख्तिसार के साथ बयान करूं कि तकदीर के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात भी का भी मौकिफ जो है मुतदिल है। अल्लाह की भी मशीयत है, बंदे की भी मशीयत है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अफआल का खालिक है, हमारा मौकिफ है। हमारे अमल जो है, जैसे हम अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह हमारे अमाल भी अल्लाह के मखलूक है। फेल के करने वाले, इख्तियार करने वाले इंसान है, मखलूक है, बंदे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा कि एक मुश्किल मसले को मैं आसान करके और इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूं कि हमारे अमाल हमारे अपने इख्तियार किए हुए, लेकिन अमल को करने का इख्तियार हमको है, तौफीक अल्लाह देता है, लिहाजा हमारे अमल की तखलीक अल्लाह करता है। तो खालिक वो है, फाइल हम है। अल्लाह की भी मशीयत है और हमारी भी, जैसे कुरान की एक आयत है, लिमन शाह मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो चाहे सीधा रास्ता इख्तियार करे, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाहते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। इसका मतलब इस आयत में देखिए कि बंदे की भी मशीयत है और अल्लाह की भी मशीयत है। इस सिलसिले में मेरे दिमाग में कई बातें आ रही है लेकिन मैं छेड़ना नहीं चाहता। तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि अल्लाह की तकदीर है, लेकिन तकदीर के लिखे जाने का यह मतलब नहीं है कि इंसान मजबूर महज है। तकदीर में जो लिखा है हम मजबूर हो गए, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान की तकदीर में लिखा है वो गुनाह करेगा और उसने गुनाह किया, तो तकदीर में लिखा है इस वजह से इसने किया, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह को मालूम था इसलिए तकदीर में लिखा है कि आप और हम क्या करने वाले। इस पर कुछ लोग एतराज उठाते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग इफरात व तफरीत का शिकार हो गए। चुनांचे कदरिया एक गुरोह गुजरा है, और शिया भी उनके मुआफिक हैं, मोतजला भी उनके मुआफिक हैं, जो तकदीर का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर है ही नहीं। और रवाफिस तो अल्लाह के लिए बदा का अकीदा रखते हैं, यानी अल्लाह को हर चीज का इल्म पहले से नहीं होता। एक चीज आज अल्लाह ताला ने कही, कल अल्लाह के सामने कुछ दूसरी बात आती है तो अल्लाह को मालूम होता है, बदा का अकीदा इसे कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये यहूदियों का अकीदा है जो शियों में भी पाया जाता है। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मौजूद थे तो सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और उनके लिए जन्नत है, उनके लिए ऐसे ऐसे वादे हैं, इनामात हैं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो अल्लाह को मालूम पड़ा कि ये तो काफिर हो गए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला तमाम। तो इस तरीके से जो लोग तकदीर का इनकार करते हैं वो अल्लाह ताला के इल्मे कामिल का, अल्लाह की सिफत इल्म का इनकार करते हैं। मुतज़िला ने इल्म तो माना लेकिन उसके नतीजे का इनकार किया। मैं उसमें घुसूंगा
दाखिल हो जाऊंगा तो वो बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी, तफसील तलब बन जाएगी। तो कदरिया अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का और तकदीर का इनकार करते हैं और कहते हैं कि बंदे अपने अफाल के खालिक खुद ही हैं, हम फाइल ही नहीं अपने अफाल के खालिक भी हैं। बज़ाहिर इनकी उनकी नीयत अच्छी है, वो ये कहना चाहते हैं कि एक आदमी गुनाह करता है तो अब ये कैसे कहें कि अल्लाह ताला के मशीयत से कर रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह पे इल्जाम आएगा। नहीं, अल्लाह पे इल्जाम नहीं आएगा, उसकी दलीलें हैं इंशाअल्लाह हम तफसील के वक्त इसको जानेंगे। बंदा खुद बुराई का इर्तिकाब करना चाह रहा है तो अल्लाह ने छूट दे दी, ये अल्लाह की मशीयत है, तौफीक है, उसमें अल्लाह पर इल्जाम नहीं है। और कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह की मशीयत से होता है। अगर आप ये कहेंगे कि बंदे अपने अफाल के खालिक खुद हैं, बंदों की अपनी मशीयत चलती है, जैसा कि ये राफिजी, मुतजला, कदरिया कहते हैं और हमारे यहाँ कुछ अक्ल पसंद लोग ये कहते हैं, तकदीर का इनकार करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, उसकी हिकमत पर सवाल या निशान उठा रहे हैं और उसकी बहुत सारी साबित शुदा चीज़ों का इनकार कर रहे हैं, जिनमें जिन आयतों और हदीसों में तकदीर का जिक्र है आप उन सब का इनकार कर रहे हैं। दूसरा गुरोह जबरिया का, जिन्होंने कहा कि तकदीर है और सब कुछ तकदीर ही है, इंसान अपने आमाल का न फाइल है न खालिक है, सब अल्लाह की तरफ है, करने वाला अल्लाह ही है। उस जिम्न में वाकया पेश किया गया कि एक औरत को उसके शौहर ने दूसरे मर्द के साथ पकड़ा तो कहा तुम ऐसी बदकारी कर रहे हो, मारने का इरादा किया तो कहा जरा सा रुको, ये बताओ कि मैं जो कर रही हूं अल्लाह की मशीयत के बगैर कर रही हूं क्या? हाँ नहीं, जब अल्लाह की मशीयत से कर रहा हूं तो एक ऐसी बात पर तुम मुझसे नाराज हो रहे हो जो मैंने अल्लाह की मशीयत से किया? तो शौहर ने कहा कि तूने मुझे बचा लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जबरिया के कौल का, गलत कौल का नतीजा मैं बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इंसान पूरा का पूरा मजबूर है, सब कुछ तकदीर ही तकदीर है, इंसान का अपना फेल नहीं है, इंसान अपने अमाल का खालिक भी नहीं है। चुनांचे इन लोगों ने भी इफरात और तफरीत इख्तियार करके गुमराही को इख्तियार कर लिया। इसी तरीके से बंदों के अफ़ाल के सिलसिले में इनकी आखिरी चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जबरिया, खालिसा, जबरिया में भी दो किस्म है, जो खालिस तकदीर का इनकार करते हैं और कुछ अशायरा, अशारी और मातुरीदी हैं जो ये कहते हैं कि ये इंसान के लिए फेल और कुदरत को तो साबित करते हैं लेकिन कहते हैं कि इंसान के अपने फेल और कुदरत है लेकिन वो मुअस्सिर नहीं होते। मैं सिर्फ इसलिए फिर से इस बात का तस्करा किया कि हमारे यहाँ जो अहनाफ अपने आप को अशरी कहते हैं, इस सिलसिले में भी वो अहले सुन्नत वल जमात से अलग है, अशायरा। आखिरी चीज वसतियत की जो मैं आज पेश करना चाह रहा हूँ, और भी चीजें हैं कि अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ क्या है। चुनांचे अहले सुन्नत वल जमात के दिल और ज़बानें अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाक साफ हैं, वो सहाबाए कराम से मोहब्बत करते हैं, उनकी फजीलत का इकरार करते हैं और अकीदा रखते हैं कि वो इस उम्मत में ईमान के एतबार से, इल्म के एतबार से, हिकमत के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सना बयान की, उनसे रजामंदी का बयान किया, इसलिए कि वो दीन में सबसे ज्यादा सबकत करने वाले थे, अल्लाह के रसूल सैयदुल मुरसलीन की नुसरत करने वाले थे, आपकी सहाबियत के लिए अल्लाह की तरफ से मुंतखब थे, उनका ये मकाम है। इसलिए जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं वो सहाबा कराम को भी टारगेट, आज के जुमा के खुतबे में मैंने बयान किया, वो भी मैं कुछ जिक्र करना चाह रहा था कि खारजी दुश्मन मुसलमानों के अंदर अलग अलग महाज से हमले कर रहे हैं तो सहाबा को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, ये राफजियत के यहाँ ये इफरात और तफरीत पाई जाती है। चुनांचे अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़कर, ये तहरीकी है कहिए, या हमारे यहाँ अभी एक साहब हैं सलमान नदवी साहब, ये हर थोड़े थोड़े दिनों पर शोशा छोड़कर सऊदी अरब और अहलु सुन्ना वल जमा अहलुल हदीस की मुखालफत करते रहते हैं और राफजियत और आलमी ताकतों के आलायकार बनने का मुजाहरा करते हैं। अभी ताज़ा क्लिप्स जो आई है उसमें हजरत अबू हुरैरा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा को निशाना बनाया, मैंने उसका कुछ जवाब जुमा के खुतबे में दिया इसलिए उसको दोहराना जरूरी नहीं समझता। चुनांचे सहाबा कराम की बहुत सारी फजीलत और इब्तदाई दौर में अल्लाह के रसूल की रिसालत के दलाइल कम होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद आपका साथ देना, सारे लोगों की दुश्मनी मोल ले लेना है पूरी दुनिया की, फिर भी साथ दिया, लिहाजा इनका सबसे ऊंचा दर्जा, अंबिया के बाद इनका सबसे ऊंचा दर्जा अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं और दलीलों की बुनियाद पर इनको आदिल मानते हैं, इनके इनसे जो खताएं हुई इनको मासूम नहीं मानते लेकिन कहते हैं कि उनसे अगर कोई खता हुई है तो वो इज्तिहादी है या अल्लाह ताला के यहाँ माफू अनहो है। और अहले बैत के सिलसिले में भी उनके मकाम को देने का अहले सुन्ना वल जमा अकीदा रखते हैं
कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी इज्जत और तौकीर की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लम की वसीयत थी, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अहले बैत के सिलसिले में तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूँ। हाँ, तो इन सिलसिलों में उनको मानते हैं, लेकिन अहले बैत के सिलसिले में भी हद से तजावुज़ नहीं करते, उनके बारे में गुलू नहीं करते, उनको मासूम नहीं मानते, और ना ही उनकी तरफ ऐसी किसी चीज़ की निस्बत करते हैं जो अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत और उसके अस्मा व सिफात से खास है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मौकिफ है। इसके बरमुकाबिल, इसके बरखिलाफ एक गुलू और इफराद करने वाला तबका है अहले बैत के सिलसिले में, और जफा और तफरीत इख्तियार करता है बाकी सहाबा के बारे में। ये रवाफिस का तबका है, जिन्होंने नबी करीम सल्लम के सहाबा को गालियां दी, सब्बो शतम का निशाना बनाया, तनकीज की, उनको काफिर करार दिया, अक्सरियत को काफिर करार दिया। और इसके बिलमुकाबिल आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उन्होंने गुलू की हद तक मोहब्बत का इजहार किया, चुनांचे उनकी तरफ ऐसी चीजों की निस्बत की जो रुबूबियत की खसूसियत है, अल्लाह की उलूहियत के ये मासूम है, ये मौलाए कायनात हैं, हुसैन के कब्र पर जो है उनकी मिट्टी को लगा लेने से शिफा मिलती है, और ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने गढ़ ली, झूठी बयान कर दी। चुनांचे आप उनको देखेंगे कि वो हजरत अली और उनकी जुर्रियत के, उनके खानदान के बाद लोगों के सिलसिले में गुलू करते हैं, और उनको अंबिया और मलाइका पर भी ज्यादा ऊंचा मकाम और फजीलत देते हैं, उनको मासूम मानते हैं, उनके लिए ये मानते हैं कि अल्लाह ताला उन पर वही करता था, उनके लिए गैब के इल्म का इस्बात करते हैं, कायनात में तसर्रुफ का इख्तियार उनके लिए मानते हैं, उनके तरफ दुआ और तलब के लिए, तलब हाजात के लिए उनकी तरफ तवज्जो करना, उनसे दुआ करना जो है जायज और शरई अमल मानते हैं, जबकि वो मुर्दे हैं, ये उनकी सरीह गुमराही है। इसके बिलमुकाबिल तफरीत और जफा करने वाला गुरोह है आले बैत के सिलसिले में, हाँ, और दूसरे सहाबा के सिलसिले में, ये नवासिब हैं, नासबी जिनको कहा जाता है, और उन्हीं का एक तबका है खवारिज, जिनके अलग अलग तबकात हैं, जो ये कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये नौज़ु बिल्लाह काफिर हो गए थे, और उनके अलावा दूसरे सहाबा, चुनांचे इन लोगों ने उनकी जान और माल को हलाल समझ लिया, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के और इमामत के सिलसिले में भी वो तानो तशनी करते हैं, उनको काफिर करार देते हैं। हाँ, इसी तरीके से रवाफिज जो हैं उनके यहाँ उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में भी तानो तशनी की जाती है, खास तौर से हजरत आयशा सिद्दीका और उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, जो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की बेटियां हैं, इनके सिलसिले में इनके यहाँ बड़ी बेअदबी, बदतमीजी, गुस्ताखियां पाई जाती हैं, गालियां तक देते हैं। शियों के इलाके में आयशा, उम्मे हफ्सा, अबू बकर, उमर रखने, नाम रखना मना है सुन्नियों को। तो ये आप इसको सामने रखिए, यहाँ कुछ मैं वजाहत करना चाहता था, और इस पर आप जरूर गौर करें कि अहलुस सुन्ना वल जमा का ये जो एतिदाल वाला मौकिफ है सहाबा, आले बैत और उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में, जो हमारे सलफी मनहज का उसूल और जाब्ता है, इसके बिलमुकाबिल आज आप देखेंगे कि दुनिया में ये जिनका नाम लिया गया खारजी, राफजी, उनके असरात से हमारे यहाँ ये बरेलवी हजरात, राफजी हजरात भी साफ सुथरे नजर नहीं आएंगे। कि कोई बरेलवी हजरात अहले बैत के सिलसिले में गुलू करते हैं, मौलाए कायनात हजरत अली को बोलते हैं, और मुहर्रम में क्या क्या खुराफात करते हैं, ताजिया बना के कि इसमें मुहर्रम हजरत हुसैन की रूह आती है, वगैरह वगैरह, ये गुलू यहाँ पाया जाता है। और तहरीकियों में, इख्वानियों में, जमात इस्लामी में, खिलाफत व मुलुकियत की बहस छेड़ने वालों में, सियासी इस्लाम बयान करने वालों में सहाबाए कराम को निशाना बनाया जाता है, रवाफिस की ताईद की जाती है। और उसी बुनियाद पर आप देखिए कि कभी कोई ये शख्स जो है ईरान, वो सुन्नियों को कत्ल कर रहे हैं, सहाबा और उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्रों को खोद दिया शाम में, उस पर एतराज नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के बारे में एक झूठा इल्जाम आ जाए तो ये शोर और हंगामा मचा देंगे, ईरान की ताईद करेंगे, ये ऊपर से कहेंगे कि हम इस्लामी हुकूमत और इस्लाम पसंदी को इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन शेख करजावी हो, इस्माइल शत्ती हो और दूसरे लोग हो, ये बयान देते हैं कि इस्लाम के बिलमुकाबिल जमहूरियत हम इख्तियार करेंगे, लिबरल बनकर रहेंगे। इनके यहाँ इनकार हदीस के जरासीम भी पाए जाते हैं। अहले इल्म ने बयान किया, जो अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह आखिरी दर्स में जानेंगे, कि ये रविश इख्तियार करने से बिलाखिर अकीदे का निफाक आ गया इनके अंदर। एक अरब आलिम के मुआफिक ऊपर से मुसलमान है और अंदर से लिबरल है, काफिर है, जमहूरियत पसंद है, इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम पसंदी का नारा है, लेकिन इस्लाम जब इनको हुकूमत मिली तो इस्लाम का इजहार नहीं किया। ये अहले सुन्नत वल जमात की वसतियत के बाज मज़ाहिर हैं। इसके बिलमुकाबिल आप दुनिया के जितने लोगों को देखेंगे, जितने तबकों को, उनके यहाँ इफरात और तफरीत नजर आएगी। इसकी कुछ दलीलें वसतियत की यहाँ दी गई है, उसका मौका नहीं रहा, अजान का वक्त हो रहा है,
اہل علم کے بعض اقوال بھی بیان کیے گئے کہ اہل سنت والجماعت کس طرح عقیدے میں. علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول بڑا شاندار ہے لیکن میں پیش نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا. خطیب بغدادی کا ایک قول ہے اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ امت کو کہا گیا کہ جب خرچ کرے تو نہ فضول خرچی کرے نہ بخیلی کرے بلکہ بیچ میں رہے, قرت کرے تو درمیان میں رہے, اور پھر امت وسط کا نام بھی دیا گیا. اسی طریقے سے یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ وسطیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفاق کو اختیار کریں. جو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے قرآن کی آیت میں کہ ان المنافقین, یہ آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, یخادعون اللہ وہو خادعہم, اور اللہ تعالیٰ ان سے چال بازی اور دعو کرنے والا ہے. جب یہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں, یراؤن الناس, لوگوں کو دکھاتے ہیں, اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت کم. یہ آگے ہے مذبذبین بین ذالک, یہ ڈگمگاتے ہیں دونوں کے بیچ میں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی, نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف. ان کی وسطیت قابل قبول نہیں ہے, اس کو رد کیا ہے. اللہ کے رسول کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کرنے والے دو ریوڑوں کے بیچ میں گھومتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. ایسے منافقین ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں اس قسم کے نفاق پائے جاتے ہیں. ایک طرف تحریکیت کے نام پر اسلام پسندی کا مظاہرہ کریں گے, دوسری طرف انکار حدیث, ہاں صحابہ کرام کو نشانہ بنانا, رافضیت کو اختیار کر کے انتہا پسندی اور بم دھماکوں اور تفجیرات کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ اور داغدار بنانا, اور غیر مسلموں کا اعلی کار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بیچ کے لوگ آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اسی طرح کفر کے اور ایمان کے بیچ میں بھی درمیانی راستہ نہیں پایا جاتا, جس کی دلیل کے ساتھ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ وسطیت نہیں چل سکتی. اور اسی طریقے سے وسطیت ایسی ہی مانی جائے گی, بیچ کا راستہ وہ مانا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق حق دو باطل کے بیچ میں ایک حق ہو. اس طریقے اور وسطیت اور اعتدال کو اختیار کر کے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی تمام نصوص کا اور حق کے سلسلے میں پورے پورے معاملات کو سچی باتوں کو اختیار کرنے کی روش اور موقف اختیار کیا, جو میں نے فائدہ بتایا کہ اس اعتدال پسندی اور وسطیت سے ہر قسم کی گمراہی سے اہل سنت والجماعت محفوظ ہو گئے. اور اہل بدعت جتنے بھی گروہ ہیں ان کے یہاں جو انحراف پایا گیا, افراد و تفرید پائی گئی, سنت کے التزام کی وجہ سے اہل سنت والجماعت اس سے محفوظ رہے, کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث کو مقدم کریں گے. قرآن حدیث کی دلیل آ جائے تو اس کے سامنے نہ کسی کی رائے, نہ کسی کا ذوق, نہ کسی کا کش, نہ کسی کا خواب, نہ کسی کا اجتہاد مارا جائے گا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر جھکا دیا جائے گا, اور ویسے جھکایا جائے گا. یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا, یہی ائمہ خدا کا تھا, اور تمام لوگوں کی گواہی ہے کہ یہی طریقہ دین کا خالص طریقہ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ سلفی لوگ اسلام کے سچے نمائندے ہیں, یہ کوئی گروہ اور حزب نہیں ہے. اب یہاں آخری بحث جو ہوگی ہماری کہ سلفیت کا تعلق دوسری جماعتوں سے کیا ہو. کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے اخوانی کہلا سکتا ہے, کہلانا چاہیے؟ کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے یہ کہلائے گا کہ میں صوفی ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. اہل سنت والجماعت واضح طور سے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, اور میں نے جو تفصیلات بیان کی اس میں جو انہیں افراد اور تفرید کا ذکر کیا, یہ آخری جملہ کہ افراد اور تفرید اختیار کرنے والے جتنے گروہ ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں, صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں, قرآن حدیث کو مضبوطی سے پورے پورا پکڑنے والے نہیں ہیں. اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اہل سنت اپنی وسطیت اور میانہ روی کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پورا پورا پکڑنے والے ہیں. عقیدے میں, عبادات میں, اعمال میں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. عبادات کے سلسلے میں بھی کچھ قوم نے جو ہے افراد و تفرید کی, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں صوفیہ تو عبادات ہم پر ثابت ہو گئی, کچھ لوگوں نے عبادات میں غلو کیا اور ایسی عبادتیں کی جو اللہ اور رسول سے ثابت ہی نہیں ہے, کہ اتنا نصاب پڑھ لو, اتنی لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو, اتنی رکعت پڑھ لو, شب برات کو عبادت کر لو, فلاں نماز پڑھ لو, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے, اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین, صحیح منہج کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی مخالفت میں باہر اور اندر سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داری ہے پروردگار, اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور اس عمل کی, اس کوشش کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے, ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.